नरेंद्र मोदी जी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है? क्या आप जानते हो कि अडानी के कारण आपकी प्लेन टिकट की कीमत 800 रुपए से बढ़ सकती है और आपका बिजली बिल 2 गुना बढ़ सकता है, और 2020 में उसे भारत का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कब्जा मिला। केवल 2 साल में अडानी से खरीदी गई बिजली का रेट 2 गुना बढ़ा। क्या आप जानते हो कि अडानी के कारण आपकी प्लेन टिकट की कीमत 800 रुपए से बढ़ सकती है और आपका बिजली बिल 2 गुना बढ़ सकता है, जैसे गुजरात में हुआ है, और लोग अभी भी पूछते हैं कि अडानी महाघोटाले से मेरा क्या बिगड़ेगा? हम अडानी के हैं कौन सीरीज के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि पीएम मोदी की मदद से गौतम अडानी 609 पोजीशन से दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बने। आज हम देखेंगे कि अडानी महाघोटाले ने महंगाई को कैसे बढ़ावा दिया है। अडानी ग्रुप बहुत कम समय में भारत के हवाई अड्डों का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन गया है। 2019 में मोदी सरकार ने उसे अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, यानी 6 में से 6 एयरपोर्ट चलाने की अनुमति दी, और 2020 में उसे भारत का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कब्जा मिला। 2019 के पहले रूल्स क्लियर थे। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी एयरपोर्ट चलाना चाहता है उसे एक अनुभवी एयरपोर्ट संचालक को साझा करना पड़ेगा। 10 दिसंबर 2018 को नीति आयोग ने लिखित में कहा कि बिना पर्याप्त एक्सपीरियंस के कोई कंपनी एयरपोर्ट ढंग से नहीं चला पाएगी, और उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिखित में कहा कि रिस्क कम करने के लिए और कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने के लिए एक ही बिडर को 2 से अधिक एयरपोर्ट्स नहीं देने चाहिए। तो मोदी जी ने क्या किया, रूल्स बदल के 6 के 6 एयरपोर्ट अपने मित्र अडानी को सौंप दिए। वैसे अडानी ग्रुप के मुंबई एयरपोर्ट के अधिग्रहण को क्रोनी कैपिटलिज्म का हार्वर्ड केस स्टडी बनाना चाहिए। 2019 में मुंबई के संचालक जीवी के रूप ने अडानी के मुंबई में हिस्सेदारी खरीदने का जोरदार विरोध किया था, लेकिन जुलाई 2020 में जीवी के पर सीबीआई और ईडी के छापे लगे, और 1 महीने बाद ये अडानी को मुंबई एयरपोर्ट बेचने को राजी हुआ, और सीबीआई और ईडी की जांच गायब। इस मोनोपोली का नतीजा आपके फ्लाइट टिकट्स और भी महंगे हो गए। हर टिकट में एक यूजर डेवलपमेंट फी होता है जो एयरपोर्ट ऑपरेटर को मिलता है। अडानी के अहमदाबाद एयरपोर्ट में सरकार ने इसे 6 गुना बढ़ाने की इजाजत दी है, और अडानी ने सरकार से मांग की है कि लखनऊ एयरपोर्ट की फी 192 रुपए से 1025 तक बढ़ाई जाए। यह है मोनोपोली का कमाल। अब बिजली की बात करते हैं। 2008 में अडानी पाव ने हरियाणा सरकार के साथ अग्रीमेंट किया कि 1424 मेगावाट बिजली 2.94 रुपए प्रति यूनिट के रेट में 25 साल तक बेची जाएगी। जब इंपोर्टेड कोयले का रेट बढ़ा, अडानी ने सुप्रीम कोर्ट में बिजली बेचने के रेट को बढ़ाने का केस लगाया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात न मानी, दिसंबर 2020 से अडानी ने बिजली सप्लाई अपने आप कम कर दी और हरियाणा को मार्केट से 11.55 रुपए के रेट में बिजली खरीदनी पड़ी, यानी 3 गुना महंगी बिजली। 27 जून को हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कहा, ठीक है, अब हम अडानी से अधिक रेट में कम बिजली खरीदेंगे, 1424 मेगावाट की बजाय 1200 मेगावाट खरीदेंगे और बाकी ओपन मार्केट से और भी अधिक रेट में खरीदेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का सीधा फायदा अडानी पावर को मिल रहा है और नुकसान हो रहा है हरियाणा के कंज्यूमर्स को। गुजरात में भी देखिए क्या हुआ। जनवरी 2021 और दिसंबर 2022 के बीच, यानी केवल 2 साल में, अडानी से खरीदी गई बिजली का रेट 2 गुना बढ़ा और 7.24 रुपए तक पहुंचा। ये सीधा गुजरात के कंज्यूमर्स की जेब से निकलेगा। आखिर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य, जिन्हें मोदी सरकार ने 2017 में अपॉइंट किया था, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा है जिसमें उन्होंने साबित किया है कि इंडिया के बिग 5 मोनोपोलीज, जिनमें अडानी ग्रुप भी शामिल है, इनके कारण महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है। चाहे छोटी कंपनियां खरीद के या इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़वा के, ये बड़ी कंपनियां कॉम्पिटिशन को दबा रही हैं, और जहां छोटी कंपनीज 100 रुपए के आइटम को 125 में बेचती है, ये बड़ी कंपनियां उसी आइटम को 145 में बेच पा रही हैं। इस प्रकार जिस सेक्टर में ये बड़ी कंपनियां मोदी जी के दोस्त समझो,
घुसती हैं वहां गुड्स और महंगे हो जाते हैं। और इतना क्लियर है कि मोदी जी का प्रयास लगातार रहा है इन कंपनीज को बढ़ावा देना और छोटी कंपनीज को खत्म करना। फायदा मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से मिलता है और नुकसान आप सबको झेलना पड़ता है।